আদিল রাজা মুর্দাবাদ বগুড়া মুর্দাবাদ বগুড়া মুর্দাবাদ মুলুক কাগাদর মুর্দাবাদ পাকিস্তান জিন্দাবাদ পাকিস্তান জিন্দাবাদ মুলুক কাগাদর মুর্দাবাদ মুলুক কাগাদর মুর্দাবাদ মুলুক কাগাদর মুর্দাবাদ মুলুক কাগাদর মুর্দাবাদ সরকার কিয়া যায় দেশাত মুলুক শুকরিয়া আদা করতা হ আপ মুহিব ওয়াতান পাকিস্তানি হোনে কা সুবুত দি আপনে ইদারোন সে জিয়তি কে লিয়ে আয়ে আদিল রাজা জেসে বগুড়া जो फौज के अंदर सर्विस हाजिर सर्विस था उसने रिटायरमेंट के बाद बगड़ा होकर अमेरिका जैसे मुल्क में जाके मुल्क के खिलाफ साजिश करता है तो हम ऐसे अनासरी के खिलाफ सभी अल्फाज में मुजम्मत करते हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आप चाहे किजर से जाके यासीन यासीन से जाके चतरौल चतरौल से जाके हुज्जा नगर के और त्यामर बल्तिस्तान में आप जिस कब्रिस्तान में भी जाए हमारे गाजी वहाँ हर घर में मौजूद होंगे हमारे शहीद हर कब्रिस्तान में मौजूद होंगे और पाकिस्तान के झंडे में लपेट के वहाँ शहादत पहुँच करके बॉर्डरों से यहाँ आए हैं इन जवानों को हम खराज तहसील पेश करते हैं और जो गाँव में गद्दारी करते हैं मुल्क के खिलाफ बगावत करते हैं उनके इदारों का मुतालबा करते हैं रियासती इदारों से और पाकिस्तान से ऐसे गद्दार जो अमेरिका में छुपके बैठे हुए उनको घसीट के पाकिस्तान में ला के पाकिस्तान में फौजी अदालतों में ट्रायल किया जाए ऐसे गद्दारों को अगर फौज से मेजर रिटायर हो के वहाँ जाके मुल्क के खिलाफ साजिश करते हैं ऐसे ऐसे गद्दारों को तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद ही चौक में ला के संगसार करना चाहिए हम मुल्क का वतन पाकिस्तानी है जब भी पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देने की जरूरत हो गया तो हमारे आबा औजदाद पाकिस्तान के हर बॉर्डर में आप कारगिल कारगिल में जाओ आप कश्मीर में जाओ आप पंजाब के किसी और सूबे में जाओ जहाँ देखो गिलगित बल्तिस्तान का हर परत ने पाकिस्तान के साथ दिया पाकिस्तान फौज के साथ दिया आज पाकिस्तान फौज के अंदर ऐसे जो गद्दार मुल्क के बाहर जाके पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं हम इदारों से मुतालिबा करते हैं ऐसे गद्दारों को ला के यहाँ पाकिस्तान के अंदर गिरफ्तार किया जाए जाबाज चले आते हैं इंतहाई काबिल कदर सामईन जैसा कि आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ एक भगोड़ा जिससे अपनी ड्यूटी सही तरह से अंजाम नहीं दे सका और पाकिस्तान को छोड़ के बैरूनी मुल्क अपने बिल में छुप के पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ प्रोपेगंडा कर रहा है और वो वहाँ पर बकवास कर रहा है आप हमेशा से याद रखें कि जब घर का कुत्ता आपके ऊपर भोंकने लगे तो उसको हड्डी कोई दूसरा शख्स फेंकता है उस कुत्ते के गले में पट्टा भी डालना ज़रूरी होता है मैं आज अपने शोधा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखता हूँ जिन्हें इस मुल्क के लिए अपने इदारों के लिए अपने जानों के नजराने पेश किए हमारी तरफ आने वाली गोलियों का अपना सीना पेश करके शाम शहादत नोश किया आर्मी के अंदर दो चीज़ें होती हैं या बंदा शहीद होकर अपने घर मरकम में रिपट कर आता है या गाजी बन के सर पे ताज सजा के आता है लेकिन ये ऐसा भगोड़ा है न वो शहीद हो सका न वो गाजी हो सका और भगोड़ा बन के मगरिब के आवानों में छुप के पाकिस्तान और पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ बकवास कर रहा है अपने इदारों से ये मुतालिबा करते हैं कि ऐसे कुत्तों के गलों में लगाम डाला जाए इनको लगाम न डाला गया तो मुहिब वतन पाकिस्तानी ऐसों के सर कुचलने के लिए काफ़ी है जब ये जबान बनने की आपने फिर से ये बकवास की तो आपका मुद्दा जवाब दिया जाएगा और जिस बिल में आप छुपे हो उस बिल में दाखिल होकर आपको बता दिया जाएगा कि पाकिस्तानी आवाम किस खेत की बोली है यार आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ आकर गैरत का मुजाहरा किया मुहिब वतन पाकिस्तानी होने का मुजाहरा किया जब भी मुल्क के अंदर मुल्क के इदारों के ऊपर कोई मुश्किल आएगी हमने इसी तरह अपने मुल्क के साथ अपने इदारों के साथ खड़े होना है आखिर में नारा लगाऊंगा उसका भरपूर जवाब देना है पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद आज का जो हम यहाँ मीडिया पे दरियोर चौक पे आने का मकसद मुल्क के गद्दारों के खिलाफ मुल्क में साजिश करने वालों के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ इदारों के पास इदारों के साथ पाकिस्तान को लड़ाने वालों के इदारों के खिलाफ पाकिस्तान फौज के अंदर बैठ के बाहर ममालिकों में जाके मुल्क के खिलाफ गद्दारी करने वालों के खिलाफ आज हम दरियोर चौक पे यहाँ सराफा एहतजाज है ये लोग पाकिस्तान से बरात अब तो लोग पाकिस्तान के इदारों में आके नौकरियाँ करते हैं और करने के बाद रिटायरमेंट के बाद बाहर जाके ये आदिल राजा जैसे ये मुल्क देशद्रोही पाकिस्तान में इदारों के खिलाफ पाकिस्तान के कोप के खिलाफ
اور اجنسیو کے خلاف دوسرے معاملات میں لڑانے والے لوگ ہیں ہم ان کو غدار کہتے ہیں یہ باہر جا کے امریکہ سے اسرائیل سے فنڈنگ کر کے یہاں ملک کے اندر حالات خراب کراتے ہیں پاکستان کے اندر حالات کرانے میں عادل راجہ ذمہ دار ہے اور پاکستان کے دوسرے ملکوں کے اندر حالات کرانے میں بیرونی فنڈنگ کر کے یہ عادل راجہ حالات خراب کرواتا ہے اس کے خلاف ہم خراب علامتی احتجاج کرتے ہیں ہمارا موقف پاکستان کے اداروں کو پہنچے